पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद चुनावी अभियान 2024 के तहत आज पटना सिटी पहुंचे। इस दौरान सबसे पहले मीतन घाट स्थित खानकाह में चादर पोसी की, जिसके बाद पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंच मत्था टेका। सलमान खुर्शीद इंडी गठबंधन पटना साहिब उम्मीदवार अंशुल अभिजीत के चुनावी अभियान में शामिल होने के लिए पहुंचे। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कांग्रेस मैनिफेस्टो के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मैनिफेस्टो बड़ा ही दूरदर्शी है, जिसमें भारत राहुल का सारांश दिखता है। ऐसा मैनिफेस्टो 30 साल के अंदर किसी भी पार्टी ने नहीं बनाया। देश का झुकाव कांग्रेस की तरफ है। राहुल गांधी लगातार सब जगह घूमते रहे, उनसे लोगों का जुड़ाव बना है। यह मैनिफेस्टो देश में रोजगार की बात करती है, किसानों की मेहनत की सही दामों की बात करती है, लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा आदि कई मुद्दों पर बात करती है। वहीं इस बार पटना साहिब में वर्तमान सांसद का भारी विरोध हो रहा है, तो ऐसे में इंडी गठबंधन इसका फायदा उठा पाएगी। उन्होंने कहा कि हमने पटना साहिब को एक बेहतर विकल्प दिया है, आशा है कि लोग उसे स्वीकार करेंगे। भाजपा द्वारा 400 पार वाले बयान पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि अब तो 400 का नाम ही लेना भाजपा वालों ने छोड़ दिया है। देखिए, भारत की एक मिली जुली सभ्यता है। सारे धर्म हमारे देश के एक ही सीख देते हैं, एक ही शिक्षा देते हैं कि हमको सबको मिलकर रहना है। ये संदेश हमारी पार्टी का भी है, हमारी राजनीतिक सभ्यता का भी है कि ये एक विशेष वर्ग का देश नहीं है। हम सब भाई हैं, बहनें हैं, आपस में हमारे संबंध हैं, हम आपस में परिवार के समान हैं, और हम हर एक धर्म का सम्मान करते हैं और हर एक धर्म को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। अपने धर्म में एक आस्था होती है, दूसरे धर्मों का सम्मान होता है, और इसी परंपरा को मानते हुए समय समय पर जब चुनाव का वक्त आता है या कभी आम जनता से संपर्क करके उनको बात करने का उनसे आता है, कोई बड़े निर्णय लेने का समय आता है, तो हम जाते हैं, हर धर्म के लोगों के साथ मिलते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और इससे हम देश को मजबूत करते हैं। ये हमारी सोच है और इसी संदर्भ में आज हम यहाँ आए हैं। चुनावी अभियान में आज पटना आए हैं और लगातार 10 साल से पटना साहिब के सांसद, अब इस बार उनका भारी विरोध हो रहा है क्षेत्र में, तो ऐसे में इंडी गठबंधन के जो अंशुल अभिजीत हैं वो इसका फायदा उठा पाएंगे? देखिए, चुनाव की बात तो चुनाव का परिणाम ही बताता है। हम तो अनुमान लगा सकते हैं, अगर किसी का विरोध है तो उसका कोई विकल्प निकले, हम प्रस्तुत कर सकते हैं विकल्प। हमने एक अच्छा विकल्प प्रस्तुत किया है, उसे लोग स्वीकार करें ऐसी हमारी उम्मीद है। उसको मेहनत करनी होगी, सबसे बात करनी होगी, सब तक पहुंचना होगा, वो कर रहे हैं। उसी संदर्भ में हम भी यहां आए हैं और हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके संपर्क को बढ़ा सकें और उनकी बात को लोगों तक पहुँचा सकें और उनका मनोबल हम बढ़ाएं, ऐसा हमारा प्रयास है। अगर हम इसमें कामयाब होते हैं तो आप अपने को सौभाग्यशाली मानेंगे। जो भी विपक्ष है वो यह कह रहे हैं कि अंशुल अभिजीत जो है भारी प्रत्याशी है, तो वैसे में कौन भारी प्रत्याशी? अभिजीत के बारे में यह धारणा फैलाई जा रही है विपक्ष के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, कि वो भारी प्रत्याशी है, तो फिर चुनाव क्यों करा रहे हैं? भारी पूछ है, उनका घर पटना में है, उनके माता पिता पटना में बड़े हैं और रहे हैं, और घर पटना में है तो बारी कहाँ के हो गए? कौन बारी है, कौन यहाँ का है, ये यहाँ के लोग जानते हैं कि विपक्ष के लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं कौन भारी है, कौन घर का है, कौन अपना है, कौन पराया है, और अंततः तो ये बात है कि कोई कहीं का भी हो, भारतवासी है, हमारे परिवार का है, और हम उससे कुछ अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं। अगर वो अपेक्षा और उम्मीद
पूरी हो सकती है तो हम उनको अपनाते हैं, ये हर जगह ऐसे ही होता है। पीएम मोदी लगातार बिहार आ रहे हैं और कई तरह के वादे भी किया जा रहा है, 10 साल पहले भी आए थे और कई तरह के वादे किए थे। क्या हुआ उन वादों को, क्या हुआ जो वायदे उन्होंने आकर किए थे उनका क्या हुआ? तो वो जितनी बार भी आए उनसे यही सवाल पूछिए कि आपके वायदों को क्या हुआ, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा क्या हुआ? पटना साहिब जीत रहे हैं? देखिए मैं तो यहाँ आया हूँ इस उम्मीद में कि वो जीत रहे हैं, अब जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये तो परिणाम आएंगे तो वो बताएंगे। हमें तो खूब दमखम से चुनाव लड़ना है, इस विश्वास से लड़ना है कि हम इस चुनाव को जीतेंगे और हर काम वो करना है जिससे कि हम चुनाव की जीत के और करीब पहुंच जाएं। क्या होगी कांग्रेस की मैनिफेस्टो इस बार? हमारे मैनिफेस्टो को तो मोदी जी ने बिल्कुल बिल्कुल नकार दिया है, लेकिन मैनिफेस्टो मैं ये मानता हूं कि वो मैनिफेस्टो 20 साल 30 साल में कभी ऐसा मैनिफेस्टो किसी पार्टी ने नहीं बनाया, ना कांग्रेस ने बनाया ना किसी पार्टी ने बनाया, बड़ा दूरदर्शी मैनिफेस्टो है। जो भी राहुल जी अपनी यात्राओं में कहते रहे, जो भी राहुल जी जनता से कहते रहे, उनका उनका जो सारांश है वो इस मैनिफेस्टो में है। सीधे सीधे मैनिफेस्टो संपर्क कर रहा है नौजवान से, किसान से, महिलाओं से, बच्चों से, बेरोजगारों से, सीधे सीधे संपर्क कर रहा है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, इस अन्याय को आप समाप्त करना है, आपको न्याय देना है। भाजपा 400 की पार के नारे लगा रही है, प्रधानमंत्री अब नहीं जा रही है यार, 400 की पार कह रही थी, अब तो कह रही है कांग्रेस आ रही है, क्या कर देगी कांग्रेस आ रही है क्या कर देगी, तो 400 तो वो भूल चुके हैं।